हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी अनिशिका की लाइफ में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कल रात से बारिश हो रहा है और अभी भी बारिश हो ही जा रहा है और मेरी देखिए बिटिया रानी बैठ के बारिश की मज़ा ले रही है और मैं भी इसके साथ खड़े होकर बारिश देख रही थी। और देखिए ना, मेरा जो प्लांट्स है लास्ट दो दिन से इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो देखते ही जाने को मन कर रहा है, इतना नीट एंड क्लीन और खिला खिला लग रहा है। और मेरे तुलसी मैया को देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाने जाना है, तो चलिए। तो लास्ट हम लोगों ने जो शॉपिंग किया था, ये हम लोगों को बहुत कम प्राइस में मिला। ऐसे तो इसका प्राइस है आपका 1999, लेकिन शायद ये बहुत कम में मिला, मुझे इतना पता नहीं है। तो इसके साथ ये ऐसे आता है और ये कैटल आया, कैटल और ये इतना प्यारा है ना, देखिए। और सबसे अच्छी बात ये बताओ, हमारा जो पहले का था वो ख़राब भी हो गया और उसके साथ ये भी मिल गया, तो बहुत ही प्यारा है। देखिए ওখানে কেন ঢুকেছো তুমি? কেন ব্যাগের মধ্যে কেন ঢুকেছো? कहीं पे भी इसको बैग मिल जाए, बस बैग के अंदर घुस जाएगी। देखिए देखिए मेरी छोटी पोटली, पोटली बेटी मेरी, मेरी पोटली बेटी है? देखा है कभी मेरे पोटली बेटी को? मेरे पोटली बेटी को देखिए आप लोग। ये वाला ड्रेस मैंने पुन्नी को ट्राई करने के लिए दिया है और देखिए इसका रोना, इसको लग रहा है कि पुन्नी अभी चली जाएगी। देखिए क्यों है चे काचो, क्या नो काचो मिमी, क्यों है चे मिमी, चले जाबे ना तो मिमी ये जामा टा ट्राई कोच्छे, चले जाबे ना मिमी, ये देखो ट्राई कोच्छे मिमी, लाडली है सबकी लाडली। तो सिस्टर है बोल के मुझे बहुत ज़्यादा राहत है, मेरा घर भी पूरा एकदम साफ सफाई, एकदम जितना भी पेंडिंग मेरा काम था सब हो गया है। और मेरा नहाना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और हस्बैंड चले गए हैं, उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती भी कर ली थी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे पनीर के क्यूब्स काट रही हूँ मैं। तो खाना बनके तैयार है मेरा, इसमें है अरहर का दाल, ये तो मेरा हर रोज का ही कंपलसरी है। और यहाँ पे है पनीर, आलू के साथ बनाई हूँ मैं, ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और कैप्सिकम भी दिया है, यम्मी लग रहा है ना देखने में। और इसके नीचे है चोर चोरी, पम्पकिन के जो स्टीम होता है ना उससे चौचौरी बनाई हूँ, कुकुम्बर एंड लेमन। और इसके नीचे है गर्मा गर्म राइस। और ये देखिए, ये इससे चटनी पीसेगी पुन्नी, ग्रीन चिली गार्लिक। और ये है चना, चना को छील के साफ कर लिया है, इसके साथ थोड़ा सा धनिया भी जाएगा। है हमें दीची बाबा। और इशिका आ गई है खाना खाने के लिए मुझे। और चटनी किस किस को पसंद है डियर फ्रेंड्स? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला जो चटनी है ना, एकदम मस्त वाला चटनी बना था, बहुत टेस्टी लगा था, एकदम खाने का स्वाद एकदम डबल कर दिया था इस चटनी ने। थैंक यू पुन्नी फॉर लवली चटनी। तो अभी खाना खिलाऊंगी। हाय बोले दो शना बाबा। हाय कैमन आछो, भालो आछो? अच्छा जिलेले गानटा एकटू करे दाओ तो। ভালো করে বলে দাও। আচ্ছা হয়ে গেছে, জিলেলে জিলেলে আয়ো আয়ো জিলেলে না। तो लंच के बाद मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा इशिका सो जाए, आजकल तो वो सोने का नाम ही नहीं लेते, तो थोड़ा कोशिश करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, ये। तो दोपहर को खाना वाना खा के थोड़ा सा लेट गई थी, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे खीर बिठाई हूँ। हस्बैंड को खीर बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो लगभग खीर आपका 50% हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और खीर बनाने से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, उन्नी मूवी देख रही है, किसी का बदमाशी किए जा रही है। तो डिनर हमारा हो गया था और डिनर के बाद जितना भी बाकी बचा हुआ काम होता है हम दोनों बहनें मिल बांट के कर लेते हैं। मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा आपको करना नहीं है, आप चले जाओ, मैं कर लूँगी, बट पुन्नी नहीं मानती है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती करती है काम।
तो दोस्तों हमारा डिनर हो गया है, अब बारी है स्वीट डिश का। तो आज स्वीट में मैंने खीर बनाया था और खीर के साथ बहुत ही स्पेशल एक चीज़ है, तो खीर मैंने कटोरी में ले लिया है और ये है गुलाब जामुन, हम सब का फेवरेट और मेरा भी फेवरेट। तो ऐसे कौन खाता है खीर के साथ गुलाब जामुन, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे खाना। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मेरा सब काम हो गया है, ज़्यादातर काम पुन्नी ने ही किया है, मैंने तो बस थोड़ा सा किया है, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है बहन रहने से। सच में माँ और बहन जो आपका दुख समझते हैं ना, लाइफ में दूसरा कोई नहीं समझता है। खाना वाना खा लिया है, आज रात को मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, दोपहर का सब कुछ था तो बहुत आसानी भी होगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा राइस खीर चढ़ा दिया था, इससे मेरा कल जो मॉर्निंग है उसमें ब्रेकफास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर ज़रा सा भी मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई नया अगर देख रहा है तो। काफ़ी और मोटी हो जाऊंगी, बहुत यम्मी, बहुत यम्मी है। बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।